नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। तो टॉपिक जो है इंग्लिश और हिंदी को लेकर है, यानी हिंदी से अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं या अंग्रेजी से हिंदी कैसे सीख सकते हैं। ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, और मतलब ऐसा नहीं है ये जो कार्यक्रम है इसमें इसलिए कार्यक्रम में मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें पैसा ही मिल जाता है, तो बहुत है, एक साथ दो दो काम हो जा रहे हैं। लेकिन चलिए, हम लोग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान पर जो कोर्स तैयार किया गया, इससे अच्छा कोर्स जो है सभी लोगों को मिले और खासकर केंद्रीय कर्मचारी के लिए, क्यों बल्कि सभी भारतीयों को मिलना चाहिए जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं। इंग्लिश थ्रू या आप हिंदी के द्वारा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो चुकी है और थोड़ा सा और बात करेंगे उसके बाद इंट्रोगेटिव और कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रवेश करते हैं उसको भी देखेंगे। दोस्तों अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंग्लिश में जो मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं, मान लीजिए कि अगर टेंस की बात करता हूँ, मैं टेंस की बात करता हूँ और टेंस चार होता है, ठीक है। टेंस जो है चार होता है, मान लीजिए 1 2 3 है, चार नहीं है, टेंस चार होता है। देखिए प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। अब देखिए इसके चार होते हैं, इन सब के चार होते हैं, 1 2 3 4। इसके भी चार होते हैं, 1 2 3 4। इसके चार होते हैं, 1 2 3 4। मतलब कि प्रेजेंट का चार होता है सब टाइप्स, पास्ट का चार सब टाइप्स, फ्यूचर का चार सब टाइप्स होते हैं। और उसी में जो है ये तीसरा है, दो तो हो गया पर प्रेजेंट वाला है चल रहा है वन। प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो चुका, उसके बाद अब जो है सेकेंड जो है कंटिन्यूअस की बात है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव की बात हुई थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बात नहीं हुई थी। अभी कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यानी लगातार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है लेकिन हिंदी की तरह ही है। अब इसमें देखिए फॉर्म जो है ये रहेगा, फॉर्म रहा है, यानी सेंटेंस हिंदी के वाक्य में रहा वगैरह पढ़ते हैं। जैसे अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कंपेयर द मीनिंग, मीनिंग को यहाँ पर कंपेयर करना। जैसे मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, जिनको इंग्लिश जो आता है और हिंदी ये नहीं पढ़ पा रहे वो यहाँ से पढ़ें कि मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, के लिए आर बड़ा आर और एच का इस्तेमाल होगा, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए, मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूँ, यानी काम लगातार चल रहा है। यहाँ है कि मैं पढ़ता हूँ, वहाँ काम होता तो है लेकिन कब, समय निश्चित नहीं है लेकिन होता है वर्तमान में, यहाँ की लगातार काम हो रहा है। वही देखिए, गोपाल 8 बजे खाना खाता है, यानी खाना खाता 8 बजे, 8 बजे समय फिक्स है लेकिन कोई मतलब नहीं कि ये काम तो होता है पर डे। वह देखिए, उसी के बाद देखिए, वह आज देर से खाना खा रहा है, तो ये जो रहा है यानी कि खाना खा रहा है लेकिन लगातार हो रहा है। इसी को यहाँ पर मतलब लिख दिया गया इंग्लिश गया जो सेंटेंस करते उसके अनुसार, जैसे मैं रोज हिंदी पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूँ, गोपाल 8 बजे खाना देखिए खाना, अब यहाँ खाना खाता है जगह छोड़ दिया गया, गोपाल 8 बजे खाना खाता है छूट गया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, खाता है, और वह आज देर रात से खाना खा रहा है। तो देखिए, वह आज देर से खाना खा रहा है, ये सेंटेंस वाले है, और इसको भी लिखना सीख लेना होगा। जिनको इंग्लिश से पूरा पूरा नहीं लिखना तो वो इस तरह से लिख कर अपना बता सकते हैं कि भैया मुझे आता है लिखने। अब देखिए, इसे क्लीन कर लेते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं कि इसी इंग्लिश को जो है आधार बनाकर कई सेंटेंस जो आप लिख सकते हैं। जैसे आई, देखिए मैं स्टडी यानी पढ़ता हूँ हिंदी, यानी कि हिंदी एवरी डे यानी रोज, मैं पढ़ता हूँ हिंदी रोज, है ना, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ आई स्टडी हिंदी एवरी डे, मैं पढ़ता हूँ हिंदी रोज, ठीक है, वो थोड़ा पलट जाता है। मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूँ, आई एम, देखिए आई एम हो गया, आप स्टडी गैप हो गया, आई एम स्टडिंग हो गया, आई एन जी जुड़ गया, एम के साथ आई एन जी जुड़ गया, जो भी शब्द था या स्टडी था, स्टडी के साथ इंग जुड़ गया ना, तो आई एम स्टडिंग हिंदी एट द मोमेंट, आई एम स्टडिंग हिंदी एट द मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर है, गोपाल 8 बजे खाना खाता है, गोपाल टेक्स टेक्स अब टेक्स हिज मील्स,
यहाँ पर खाना खाता है को टैक्स बोल रहे हैं, टैक्स का मतलब देना नहीं होता, टैक्स मीन्स खाना को लेना होता है, ये होता है यहाँ पे। और इजी मान लीजिए करना है तो आप इस तरह से करते हैं, गोपाल ईट्स, है ना, आप ईट करेंगे तो भैया था गोपाल ईट्स ईट्स हिज मील, है ना, गोपाल ईट्स हिज मील एट 8 o'clock, एट 8 o'clock गोपाल ईट्स हिज मील्स, या फूड ही बोल सकते हैं, और मेरे थोड़ा इजी इसको कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फूड कर लीजिए भोजन, है ना, गोपाल ईट्स हिज फूड एट 8 o'clock, या गोपाल टेक्स हिज मील्स एट 8 o'clock। आप इसी को आधार बनाकर सेंटेंस तो दो चार पांच जरूर बनाइए। वह आज देर से खाना खा रहा है, ही इज टेकिंग, देखिए टेकिंग हो गया, अगर मान लीजिए ईट रहता आपको ईट लगा कर बोलना है तो आपको बोलना है ईटिंग, ठीक है, आपको बोला इंग जोड़ना ही है, ही इज ईटिंग हिज मील्स लेट टुडे, लेट टुडे, ठीक है। तो ये इसको आधार बना के आपको बोलना है सेंटेंसेस कई तरह के। अब यहाँ देखिए कुछ और मैं ले रहा हूँ, जैसे ये सिंगुलर वाला है यानी एक वचन, प्लूरल और होनरिफिक बहुवचन वाले, जैसे ये मस्कुलिन है, ये फेमिनिन यानी ये पुरुष वाचक, ये स्त्री वाचक, ये पुरुष वाचक, ये स्त्री वाचक पैटर्न है। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैं होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हम, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर टू यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर जो है तुम लोग, ये आप लोग, तुम नहीं, तुम लोग आप लोग, हमें बहुवचन दिखाना है ना, तुम मीन्स ऐसा है कि नहीं है, तुम मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत सारा, तुम भी एक होता आप भी एक होता है, तो यहाँ पर जो ऐसा आपको सुधार लेना है, ठीक है, तुम लोग और आप लोग। थर्ड पर्सन जो अब जितने सारे सेंटेंस के सब्जेक्ट आएंगे सभी सभी थर्ड पर्सन में ही माने जाएंगे, वह या कुछ भी मान लीजिए सभी वो है थर्ड पर्सन में। अब देखिए सेंटेंस कैसे है, मैं जा रहा हूँ, लड़की होगी तो मैं जा रही हूँ, लड़का होगा हम जा रहे हैं, लड़की होगी हम जा रही हैं, अगर सेकंड पर्सन में तू जा रहा है, तू जा रही है, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग जा रही हो, थर्ड पर्सन वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह जा रहा है, वह जा रही है, यह जा रही है, वे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रही हैं, ये जो है जा रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं, अब देखिए दोस्तों ये रिकैपिचुलेशन, यू हैव लर्न द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन द रिलेशंस, जैसे प्रेजेंट इंडिकेटिव सेंटेंसेस, सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब थर्ड है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ आगे आप देखेंगे। जैसे देखिए या वह सब्जेक्ट वाला, यह कलम है, वह कलम है, दो सेंटेंस बना, यह कॉपी है, वह कॉपी है, यह मेज है, वह मेज है, यह नाव है, वह नाव है, यह जमीन है, वह जमीन है, यह क्या है, वह क्या है, है इंट्रोगेटिव है, क्या यह वह कलम है, क्या यह कलम है, क्या वह कलम है, इंट्रोगेटिव दो तरह से बन गया। आप समझ गए ना कि यहाँ पर डब्ल्यू एच कहाँ लगेगा, यहाँ पर जो है अगर बीच वाला में है तो यहाँ डब्ल्यू एच करके बनाएंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच से जोड़ के बनाएंगे, यहाँ पर डब्ल्यू एच नहीं एक्सिलरी वर्ब भी उलट जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जी हाँ यह कलम है, जी हाँ वह कलम है, इस तरह सेंटेंस का जो है जवाब दें। अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जी नहीं यह कलम नहीं है, जी नहीं वह कलम नहीं है। अब दोस्तों ये तो आपने देखा, अब एक सेंटेंस और देखिए, पांच नंबर है, सेंटेंस कैन बी एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल यह मेज है, यह नई मेज है, या आपकी नई मेज है, तो देखा यहाँ पर। अब उसका जो है आप यहाँ पर देखिए अंग्रेजी किस तरह से करना है, जैसे आप सीखिए इसी तरह का सेंटेंस जो है सीखेंगे इंग्लिश करना, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे यह कलम है तो यह कलम है तो दिस, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो दिस मीन्स यह होगा, और दैट का मतलब होगा वह, कलम का मतलब होगा पेन, कॉपी का मतलब होगा, इस तरीके लिखते हैं कॉपी, मेज का मतलब होगा टेबल,
टेबल है ना, टेबल नाव का मतलब होगा बोट, जमीन का मतलब होगा लैंड, है तो है ही, अब इज होगा लेकिन इज यहाँ नहीं आएगा, सेंटेंस में आएगा दैट इज अ पेन, लिखते जाइए पहले यहाँ दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन, ए लगाना ही है, दिस इज अ पेन, अब यहाँ पर देखिए दैट इज ए पेन, दो सेंटेंस हुआ ना, अब देखिए दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ कॉपी, दैट इज अ कॉपी, दिस इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल, दिस इज अ बोर्ड, दैट इज अ बोर्ड, दिस इज अ लैंड, दैट इज अ लैंड, एक बात है दोस्तों कि दिस में दिस नजदीक को बताता है जबकि दैट जो है वह दूर को बताता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने बताया यह क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है, लिखेंगे व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, क्या यह कलम है ना, कलम है, मान लीजिए दिस इज अ पेन, यह है ना, दिस इज अ पेन, इसी को लड़ देंगे, इज दिस ए पेन, उसी तरह के लिखेंगे दोस्तों, वह क्या वह कलम है, इज दैट ए पेन, ये नजदीक को बता रहा है, पूछ रहा है, दूर को पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाएंगे, अंतर समझ रहे होंगे क्या, बीच में क्या आएगा तो डब्ल्यू क्वेश्चन, नहीं रहेगा तो शुरू में अगर इस तरह से रहता तो बदल जाता है। अब अगला देखिए, जैसे अफर्मेटिव में सेंटेंस देखना भी सीख लेना होगा तभी अच्छा लगेगा कि आप सेंटेंस देना तो आएगा ना कम से कम, ये देखिए जी हाँ यह कलम है, यस, जी हाँ मतलब होता है यस इट इज अ पेन, यस इट इट इज ए पेन, यस इट इज अ पेन, यस यस फिर से लिखेंगे यस इट इट इज नॉट है ना सॉरी दिस इज अ पेन या दिस करेंगे ठीक है दिस यस दैट इज पेन दैट इज अ पेन जी जी नहीं नो जी है ना नो क्या लगे नो नो दिस इज अ नॉट पेन नो दिस इज नॉट पेन नो नो दैट इज नॉट पेन यहाँ यहाँ भी पेन लिखी यह मेज है तो दिस इज अ टेबल दिस इज ए टेबल दिस इज अ टेबल दिस इज अ न्यू टेबल अब देखिए किसी को बना रहे हैं हम लोग दिस इज ए न्यू दिस इज अ न्यू टेबल दिस इज अ न्यू टेबल यह आपकी नई मेज है This is your new table. This is your new table. है ना तो दोस्तों ये आपने देखा अब देखिए कुछ खास बात प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को समझिए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल बहुत ही जरूरी है और आपको ये करना ही होगा जैसा कि मैं हमेशा मैंने कराया भी है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में ऐसे पढ़िए डिवोट सफिशिएंट टाइम टू दिस सेक्शन रिमेंबर दैट यू कैन एक्वायर करेक्ट एंड नेचुरल प्रोनाउंसिएशन ओनली थ्रू ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड रिपीटेशन इसके बाद तो ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ द लैंग्वेज एज को याद रखिए एज पेज बोलते हैं लैंग्वेज टेक एक बार ये टेक द हेल्प ऑफ ए नेटिव हिंदी स्पीकर इफ अवेलेबल और लिशन में टी जो है साइलेंट होता है ठीक है लिशन टू द हिंदी न्यूज बुलेटिन अटेंटिवली क्या बोला जा रहा है इसको समझिए बात को अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर कर मतलब कि आप जो है इस सेक्शन को जो है बहुत ही ध्यान से मतलब देखिए और मतलब
विजिट, ये बहुत ही उसको अच्छे से करिए सेक्शन को, और याद रखिए कि भाई जो ये जरूरत है ये सही, और जो है इसका जो प्राकृतिक जो कह सकते हैं कि सही यूज जो है प्रोनाउंसिएशन का, और जिसका कॉन्सोनेंट का जो है इसका लिमिटेशन, इसका रिपीटेशन कर सकते हैं, इमिटेशन कर सकते हैं, सही सही वर्ड्स का सेंटेंस का जो है, जो भाषा का जो वाक्य है उसका हेल्प से आप जो है नेटिव हिंदी जो आपके बोली जाती है, हिंदी स्पीकर बोलते हैं वो जरूरी है, उसके लिए आप सुनना भी चाहिए, न्यूज देखना चाहिए, बुलेटिन वगैरह बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, उससे भी आपको बढ़ सकता है। देखिए रीड अलाउड, सेकंड है रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़े एंड द फॉलोइंग द वर्ड्स, जोर जोर से पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ तो सबको लगता है कि मजाक कर रहा है, सर जोर जोर से बोल के पढ़ने में क्या दिक्कत है, रीड अलाउड द रीड अलाउड, देखिए सर केंद्र सरकार भी कहता है जोर जोर से पढ़िए, मतलब उसके द्वारा जो तैयार किया गया वो भी, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स क्लियरली, प्रोनाउंसिंग ईच सिलेबल एंड रिपीट देम अबाउट द हाफ एंड डजन टाइम्स, क्या कर रहा है कि भाई कम से कम छह छह बार तो जरूर पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, हाफ एंड डजन टाइम्स, छह छह बार जरूर पढ़िए को, एक एक वर्ड्स को, सिलेबस को, है ना। नोट एट दिस स्टेज यू नीड नॉट नो द मीनिंग्स ऑफ द ऑफ ऑल द वर्ड्स इंट्रोड्यूस बिलो, ऑल दैट यू हैव टू डू एट दिस स्टेज इज टू रिकॉग्नाइज द लेटर्स एंड द प्रोनाउंसिएशंस क्लियरली इन कॉम्बिनेशन, रिपीटिंग देम टिल यू फील दैट यू कैन प्रोनाउंस एंड रिकॉग्नाइज देम विदाउट द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दोस्तों ये जरूरी था आपके लिए, आप देखिए यहाँ करना क्या है, ये आपको यहाँ पर बता दूं मैं, जैसे इनिशियल्स है, आप समझिए इनिशियल्स क्या होता है, मीडियल क्या होता है, फाइनल क्या होता है, जैसे इनिशियल्स है अ, अब इसी से मीडियल बना, अब इसी से फाइनल बनाया कमल, मतलब कह सकते हैं कि ये दो वर्ड का है, ये तीन वर्ड का है, इनिशियल तो अ ही, शुरू में तो अ ही आ रहा है ना, जैसे कि अ से बनेगा अमल, अ से अमल, अब यहाँ देखिए नमक, क्या दोस्तों अ से अपना, अ से अपना कलम, यानी कि आ की बात करते हैं तो आ से आम, और आ जो है यहाँ काम जुड़ गया काम, और यहाँ देखिए लाम जुड़ गया तो कला, ये देखिए आ जो है शुरू में आया है तो आन, फिर ये देखिए आम, और यहाँ आ कार की मात्रा जो न में है तो मना, आज काल जमा लास्ट में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बड़ी की मात्रा है, जैसे इनाम, अब ई जो है ई का मात्रा चिन्ह ये होता है, तो यहाँ क में ई आगे बड़ी कील, और देखिए यहाँ लास्ट में आया है तो एक ही बात है, ठीक है। ई है बड़ी, देखिए बड़ी का मतलब यहाँ म में आया तो मीन हो गया, यहाँ ई में आया काई, ईद है यहाँ बड़ी न में आ गया, यहाँ पर आय में आया काई, एक ही बात करते तो ए में एक होता है, और एक जो है एक इस तरह से है तो न में ए जुड़ गया तो नेक हो गया, और यही ए जो है ल के साथ आया तो ली हो गया नाले। अब एकक, एकक हो गया, फिर देखिए एल म में हुआ तो मेल हो गया, और ल में हुआ तो ले हो गया ताले। अब एन देखिए एन, तो एन हो गया है, रान हो गया है, हो गया ऐब हो गया, पैना हो गया है, हो गया ऐनक, और ये मैं हो गया मैना। क्या की बात करते क्या 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 मतलब वाक्य, तो क्या देखिए क्या आ गया, क्यों क्या क्या वाक्य ये है। अब आगे कुछ चलिए देखते हैं, क्योंकि अब ये लेशन जो है प्रबोध कार्यक्रम मेरा अब जो है यहाँ तक समाप्त हो गया, इसके बाद दूसरे हम लोग क्लास में चलेंगे, इंटर करेंगे, और भारत सरकार की सारी योजना वाले जो बुक्स वगैरह है उसको तो पढ़कर समझ लेना कि भाई ये क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिंदी में अ एंड आ इज ए कॉन्ट्रास्ट, जैसे अ आ, जैसे देखिए अ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर म में अ है, म में मतलब म प्लस अ है तभी ये म बना है, तभी ये म बना है, म म नहीं बन गया तो ये मन, यहाँ देखिए मान है ना, आकार है, आकार जो है डायरेक्ट यहाँ आकार का मतलब होता है म प्लस आ, म प्लस आ रहेगा तो ये हो जाता है माँ, माँ तो ये माँ आ गया, उसी तरह यहाँ जा आ गया जन है ना। अब देखिए क की बात करते हैं, क और ह की कॉन्ट्रास्ट, तो क है कल कम काल, काल आकार के साथ है, हल हम हाल। अब ए की बात करते हैं, ए आई की बात करते हैं तो ए है, ए की मात्रा ये है, आय की मात्रा ये है, तो देखिए ब में ए आ गया तो बेल, ब में आया है तो बैल,
माँ में ए आया तो मेल, माँ में आया तो मेल, है और है, हाँ में हे है। वह वह की बात करते हैं तो वन वह वेला, बन बहन और बेला। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।